गुजारिश कर रहे थे कि जेपी हाइड्रो यानी कि जेपी पावर नाम से जो कंपनी आती है जयप्रकाश पावर के नाम से, उस पर भी कुछ फंडामेंटल इंसाइट्स मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम देखें तो इस शेयर का प्रदर्शन जेपी पावर का कोविड के दौरान इस काउंटर का लो 35 पैसे तक लग चुका था और अभी ये 19 रुपये आ चुका है, तो एक ज़बरदस्त रिटर्न पिछले 4 साल में देखने के लिए मिला। लेकिन अगर मैं इसके कोविड के लिए भी छोड़ दें, कोविड का दौरान तो ज़्यादातर कंपनियों के शेयर इन्हीं रेंज पर आ गए थे, लेकिन जुलाई 2023 में भी ये काउंटर 5.5 से 6 रुपये की रेंज पर चल रहा था, वहाँ से लगभग 3 गुना हो चुका है। फरवरी 2024 में इस शेयर ने करीब 24 रुपये का हाईएस्ट लेवल भी छुआ है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 143.40 रुपये जो इसने 2008 के समय पर लगाया था, लेकिन वहां से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन 24 रुपये से भी थोड़ा भी नीचे है। लेकिन इस काउंटर में कुछ हलचल देखने के लिए मिली है पिछले 2 से 3 दिन में। फंडामेंटल की बात करें, कंपनी के 3 पावर प्लांट हैं, विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी क्षमता 400 मेगावाट है, ये उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में निगरी थर्मल पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट है, और मध्य प्रदेश में ही बीना थर्मल पावर प्लांट है जो कि 500 मेगावाट की क्षमता का है। तो करीब करीब इनकी जो क्षमता है वो 2220 मेगावाट की है, और उस पर जो प्लांट लोड फैक्टर है यानी कि जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 63% का चल रहा है। कंपनी के पास अमेलिया मध्य प्रदेश में ही कोयला माइन है जहां से कि करीब 3.92 मिलियन टन का कोयला माइन कर पाती है कंपनी। हालांकि निगरी पावर प्लांट के लिए इनको जो कोयले की जरूरत होती है एनुअली वो 5.9 मिलियन टन की होती है, तो लगभग जो 2 मिलियन टन का जो डेफिसिट रह जाता है वो इनको मार्केट से खरीदना पड़ता है, ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बीना पावर प्लांट के लिए करीब 1.5 मिलियन टन की कोयला सप्लाई का एग्रीमेंट है इसके कंपनी का, तो इसके लिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का निगरी थर्मल पावर प्लांट के पास ही एक सीमेंट का प्लांट भी मौजूद है, साथ ही विष्णुप्रयाग प्लांट का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो 100% क्षमता के लिए, तो जो इनका हाइड्रो पावर प्लांट है उसके लिए तो पूरा पावर परचेज एग्रीमेंट है, लेकिन जो बाकी 2 प्लांट हैं जो थर्मल पावर प्लांट हैं निगरी के लिए केवल 37.5% और बीना के लिए केवल 70% ही क्षमता का इनका पावर परचेज एग्रीमेंट है। मतलब ये क्षमता तो इनको देनी ही देनी है, उसके अलावा अगर ये और पावर जनरेट करते हैं तो इनको मर्चेंट बेसिस यानी कि ओपन मार्केट में वो पावर बेचनी होती है, तो इनको बायर ढूंढने पड़ते हैं और उसमें भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच देखना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के साथ। लेकिन FIs पिछली 3 तिमाही से लगातार इस कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं और हिस्सा बढ़ा रहे हैं, उनका स्टेक्स 4.65% से बढ़कर 7.59% पर पहुंच चुका है। भविष्य के लिए जो कुछ ट्रिगर्स हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कंपनी को एक कोयला माइन मिली ऑक्शन के जरिए, बांधा कोयला माइन जो कि 3 से 4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगी, उसमें जो कोयला के रिजर्व हैं वो करीब 200 मिलियन टन के हैं, तो इस पे जो कैपेक्स होगा वो करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं कंपनी जो अपने बाकी थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें प्रदूषण कम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए और खर्च करने वाली है। फाइनेंशियली देखें कंपनी को तो FY24 में कंपनी की आय 17% बढ़कर करीब 6778 करोड़ रुपये रही। प्रॉफिट तो ज़बरदस्त बढ़ा कंपनी का, 55 करोड़ से बढ़कर 1022 करोड़ रुपये रहा। बुक वैल्यू 16.70 रुपये है। EPS के लिए आज से देखें तो कंपनी की EPS करीब 1.5 रुपया की है और PE मल्टीपल करीब 12.5 का है। कंपनी पर करीब 4242 करोड़ रुपए का कर्ज है। क्षमता के लिहाज से अगर कंपनी को देखें तो सेक्टर में सबसे कम कर्ज है, क्योंकि 4242 करोड़ रुपए का कर्ज, अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें 2200 मेगावाट के करीब की है, तो करीब 2 करोड़ पर मेगावाट का कर्ज इस कंपनी पर है जो कि इस सेक्टर में सबसे कम कर्ज में माना जाता है। अब ये देखना होगा कि जेपी हाइड्रो में करना क्या है, क्योंकि हमने सारे फंडामेंटल सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। अविनाश सर हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश सर, जेपी पावर को कैसे देखना चाहिए सर? देखिए मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज में जब आप पैसा लगाते हो तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऊपरी लेवल पे बहुत ज्यादा भागे थे, अभी गिरे हैं, अभी फंडामेंटल्स थोड़े से इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबल नंबर्स आने के लिए कम से कम 3-4 क्वार्टर का इंतजार करना जरूरी है। और देखिए FIs का खरीदना एक अलग बात होती है, लेकिन जब रिटेल खरीदता है तभी उसको लंबी अवधि के लिए टाइम फ्रेम रखना है। तो जेपी पावर हाइड्रो में मुझे लगता है कि देखिए करंटली अगर किसी को खरीदना भी है तो 2 साल के ऊपर का व्यू रखिए, क्योंकि ये ग्रुप ने बहुत सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन्वेस्टर्स का किया है, अभी वापस स्टोरी टर्न अराउंड हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो भी यहाँ पे निवेश करिए और टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल का ऊपर का रखिए। बिल्कुल, तो सर क्या लक्ष्य रख सकते हैं इसमें?
लक्ष्य देना जरा डिफिकल्ट है विवेक, क्योंकि क्या ये अभी अभी टर्न अराउंड हो चुका है, प्लस इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको 50% भी रिटर्न मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में ज्यादातर ये शेयर्स मोमेंटम ड्रिवन होते हैं, फंडामेंटल्स को प्ले आउट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, फंडामेंटल को प्ले आउट होने में टाइम लगेगा, 2 साल का विजन रखना है आपको। जब भी 50% रिटर्न मिले शेयर पर तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, या अविनाश सर की राय है। लेकिन हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। ब्रिजेश सर, जेपी पावर पर आपका व्यू सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। अगर आप जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन एक अच्छा एक है कि उसने लगभग 16 रुपया 16.5 रुपए के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बनाया और वहां से उसने उछाल लिया है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में। तो पहला तो सलाह ये रहेगी, स्टॉप लॉस बताओ, 16.50 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस लेके चलें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ उसमें लगभग 20 रुपया 35 पैसा 21 रुपया ये इसके इमीडिएटली रेजिस्टेंस जोन है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 2 से 3 महीने का मैं लेके चलूँ तो आप ये लेवल मान के चल सकते हैं कि 20 रुपया 35 पैसा 21 रुपये का टारगेट है। और अगर ये 21 रुपया 15 पैसा या 21 रुपये के ऊपर बंद होता है तभी आप एज्यूम करें जो इसका 52 वीक हाई है 24 रुपया, ये उसको रिटेस्ट करेगा। अदरवाइज 20 रुपीज 35 पैसा 21 रुपीज ये दो टारगेट रहेंगे, फॉलोड बाय 24 रुपीज। बिल्कुल,